हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल टच एग्ज़ाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। देखिए, ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट को, ठीक है। देखिए क्या है ना कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने टाइम बहुत सारे लोग इरर कर देते हैं, यानी कि गलतियाँ कर देते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि गलतियाँ हो, बट इसके बावजूद भी गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके यहाँ पर बात करेंगे कि क्या क्या आप सुधार सकते हैं, यानी कि आपसे अगर गलती हो गया है तो क्या क्या आप सुधार सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस है सुधारने का, वो हम कंप्लीट इस वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पर फोटो और साइन को सुधार सकते हैं, ये अभी तक का अपडेट पूरी तरह से, और भी अपडेट जो भी है मैं आपको यहाँ पर पूरी तरह से बताऊँगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आप शुरू से अंत तक देखिएगा, मैं कंप्लीट एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। आप जानते ही होंगे मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है डियर स्टूडेंट, इसके लिए सॉरी, बट इन्फॉर्मेटिव होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसी बात से मैं यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जाता है, मैं चाहती नहीं हूँ, उसके बावजूद भी लंबा बनता है। अब देखिए क्या है ना, यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म अभी आप मैनली भर रहे होंगे, ठीक है। वैसे अगर बात करें तो सेमेस्टर वन का एग्जामिनेशन फॉर्म अभी कुछ ही दिन पहले भरा रहा था और आज लास्ट डेट भी है। अगर हम यहाँ बात करें यहाँ पर यूजी और पीजी का फॉर्म भरने टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्रेजुएशन वाले कोई गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, तो वो अपना एड्रेस गलत डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अपना पिन कोड गलत डाल देते हैं, अपना मोबाइल नंबर गलत डाल देते हैं। उसके साथ साथ हम बता दें फ़ोटो और सिग्नेचर को भी गलत अपलोड कर देते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपका फ़ोटो और साइन है डियर स्टूडेंट। फ़ोटो जो आप गलत अपलोड किए होंगे वही फ़ोटो आपका जो है सेमेस्टर में यानी कि मार्कशीट में आ जाएगा। तो ये काफ़ी, अगर दूसरा का फ़ोटो रहेगा आपका साइन नहीं रहेगा तो ये गलत बात है, आपको अभी अच्छा नहीं लगेगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या करिएगा डियर स्टूडेंट, अभी हम मैनली इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं फ़ोटो और सिग्नेचर को लेकर, कि अगर आप अपनी परीक्षा फॉर्म भर दिए, पेमेंट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट नहीं भी किए तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहते हैं कि हम अपना फ़ोटो और साइन जो है वो गलती से किसी और का अपडेट हो गया, यानी कि किसी और का अपलोड हो गया, आप नहीं चाहते थे, मोबाइल फ़ोन से भर रहे थे और कोई दूसरा इमेज सेलेक्ट होकर आप अपडेट अपलोड कर दिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है डियर स्टूडेंट, घबराने की बात नहीं। आप इस वीडियो को देखिए, आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि आप अपने फ़ोटो और साइन को कैसे अपडेट करेंगे, यहाँ पर हम कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता ही होगा एग्जामिनेशन फॉर्म का कंप्लीट वीडियो हम बना रखे हैं, आप देख लिए होंगे आशा है, और अपना एग्जामिनेशन फॉर्म अच्छे तरीके से भर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं वैसे कैंडिडेट का जो फोटो और साइन अपना गलत अपडेट कर दिया और प्रिंट आउट में आपका फोटो और सिग्नेचर नहीं आया, ठीक है। इसके लिए अपडेट मैंने वीबीयू से कांटेक्ट किया और यहाँ पर फाइनली मैंने अपना एक स्टूडेंट का अपडेट भी किया, उसका अपडेट हो गया और ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, ठीक है। इसके लिए क्या करिएगा, सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप नीचे आएंगे, आपको ये पता ही होगा एग्जामिनेशन फॉर्म का यहाँ पर और एडमिट कार्ड का एक टैब बनाया गया है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना, इस टैब पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे डियर स्टूडेंट ये टैब पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका पेज जो है वो ओपन होकर आएगा। यहाँ पर मैनली आपका तीन टैब दिखाएगा, होम, एडमिट कार्ड, क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म। अभी आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड काम करने, तो एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे डियर स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पर मोबाइल फोन पे कुछ इस तरह का खुलेगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, डेस्कटॉप साइट में नहीं है होगा तो आप कर लीजिएगा, मेरा डेस्कटॉप साइट में, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर बता दें स्टूडेंट जो न्यू रजिस्ट्रेशन किए होंगे सेमेस्टर वन वाले स्टूडेंट, एक बार आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ा होगा। आप जो यूजर नेम है, यानी कि यूजर नेम में आपको बताए थे हम कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा और पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग जो सही होगा वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यूजर नेम हम चलिए फिलअप करते हैं और पासवर्ड को फिलअप करते हैं और फिर आगे यहाँ पर देखते हैं। डियर स्टूडेंट मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लिया हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो सही होगा उसको फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप सिंपली क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डियर स्टूडेंट लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ इनका पेज खुलकर आ जाएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर एक टैब मिलेगा, आपका नाम और फोटो आपके साथ होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अभी हम फोटो और साइन को यहाँ पर अपडेट करने के लिए बता रहे हैं कि कैसे अपडेट करेंगे। आप पेमेंट कर दिए, प्रिंटआउट निकाल लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अपडेट कर सकते हैं, अभी भी ये टैब काम कर रहा है। अभी देखिए क्या करिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एग्जामिनेशन फॉर्म का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर जो ऑप्शन है एग्जामिनेशन फॉर्म का आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन देगा सिलेक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज और अदर एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होंगे तो यूजी पे क्लिक करिएगा, अगर आप मास्टर डिग्री
के स्टूडेंट होंगे या फिर आप पीजी कर रहे होंगे तो पीजी पे क्लिक करिएगा, और अगर कोई दूसरा कोर्स है तो दूसरा कोर्स पे क्लिक करिएगा। सिंपली हम अभी यहाँ जो क्लिक करेंगे वो यूजी पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर यूजी पे आ जाएंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको सिलेक्शन की ऑप्शन दिया जाएगा कि आप यहाँ पर कोर्स, सेमेस्टर, स्टूडेंट टाइप और यूनिवर्सिटी रोल नंबर सेलेक्ट करिए। तो हम यहाँ पर अभी सेमेस्टर वन की बात कर रहे हैं, तो सेमेस्टर वन में यूजी सेलेक्ट कर लेते हैं, सेमेस्टर यहाँ पर वन सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट टाइप में आप रेगुलर दीजिएगा और यहाँ पर सर्च करिएगा। चलिए हम यहाँ पर सर्च पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ आपके सामने आपका डिटेल खुलकर आ जाएगा। जो भी होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर नेम, मदर नेम, फॉर्म नंबर, यूनिवर्सिटी, रोल नंबर आपको आपको इशू नहीं किया गया इसलिए ब्लैंक है, कॉलेज का नाम और पेमेंट अमाउंट कितना पे किए वो। तो यहाँ पर प्रिंट का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट आउट यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब हम बताएंगे कि फ़ोटो और साइन आपका जो प्रिंट आउट में गलत आ गया या गलत अपडेट कर दिए उसको आप यहाँ पर कैसे अपडेट करेंगे वो हम यहाँ पर बताएंगे। इसके लिए क्या करिएगा, जैसे यहाँ पर आएंगे डियर स्टूडेंट, आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल अप करिएगा, यानी कि थोड़ा सा ऊपर करिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऊपर करिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको खुलकर आ रहा होगा, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ, दिस सेक्शन फॉर दोज स्टूडेंट हुज फोटो एंड सिग्नेचर आर अपलोडेड रॉन्गली। अगर किसी भी तरह से आप रॉन्गली अपलोड कर दिए फोटो साइन तो उसके लिए ये ऑप्शन, ये सेक्शन बनाया गया, ठीक है। स्टूडेंट कैन अपलोड अगेन देयर फोटो, करेक्ट फोटो एंड सिग्नेचर फ्रॉम हेयर। अगर अभी भी आपके पास टाइम है कि आप अपडेट कर सकते हैं, बहुत लोग उस टाइम अपडेट कर रहे थे जब परीक्षा फॉर्म भर रहे थे और जब एग्जामिनेशन यहाँ पर आप अपना फ़ी नहीं कटवाए थे उस टाइम अपडेट कर रहे थे, तो वहाँ पर आपको अपडेट होने में एरर आ रहा था, ठीक है, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रहा था और अपडेट नहीं हो रहा था। बट आप विश्वास करिए, अभी आप यहाँ पर अभी आप अपलोड यहाँ पर करेंगे फ़ोटो और साइन को तो अपलोड अपडेट हो जाएगा, ठीक है। मैंने खुद से किया हूँ और आप अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। अपडेट करेंगे तो आपको क्या होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सुनिए, अगर आपका सिर्फ सिग्नेचर गलत है तो फिर आप यहाँ पर सिर्फ अपना सिग्नेचर के फोल्डर में चूज़ करिएगा सिग्नेचर और फिर यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा सिग्नेचर को, ठीक है। अगर आपका फ़ोटो गलती हुआ हुआ डियर स्टूडेंट तो आप फोटो चूज़ करिएगा और अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। या तो फिर आपका दोनों में से दोनों किसी और स्टूडेंट का अपडेट हो गया या फिर दूसरा अपडेट हो गया या गलत अपडेट हो गया डियर स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर फोटो चूज़ करेंगे और अपना साइन चूज़ करेंगे और अपलोड कर लेंगे, ठीक है। अपलोड फाइनली हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप लॉग आउट कर लेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, आपको कैसे पता चलेगा कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके लिए क्या करिएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सुनिए, अगर आप यहाँ पर पेमेंट नहीं किए और अगर आप अपडेट करेंगे फ़ोटो तो फिर आपका अगर अपडेट होगा तो प्रिंट आउट में आपका सही फ़ोटो और साइन निकलेगा। बट हम बोलेंगे पेमेंट कर दिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप पेमेंट कर दो, ठीक है, कर दिए कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या करिएगा, आप देखिए जैसे ही आप अपडेट करिएगा, जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा गौर करके कि मेरा फ़ोटो अगर जो मेरा पहले था वही फ़ोटो है या चेंज हो गया। अगर आपका चेंज हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो वहाँ पर अगर चेंज होकर नहीं निकलता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका एडमिट कार्ड में जो फ़ोटो आप अपडेट करिए हैं यहाँ पर आपको शो करेगा, वही फ़ोटो आपका एडमिट कार्ड में आएगा, ठीक है, और मार्कशीट में भी वही फ़ोटो आएगा, मतलब कि चेंज हो गया। आप कैसे पता करेंगे कि मेरा फ़ोटो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, तो जैसे ही आप, मैंने आपको प्रोसेस बताया फ़ोटो अपडेट करने का, और तो आप यहां पर जैसे ही फ़ोटो अपडेट करेंगे तो उसके बाद यहां पर फिर से लॉगिन करिएगा और यहां पर देखिएगा कि पहले जो मेरा फ़ोटो है क्या वही फ़ोटो अभी भी है। अगर वही भी है तो दैट मीन्स आपका अपडेट नहीं हुआ है। फिर आप क्या करिएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म में जाइएगा, फिर से आप अपलोड करिएगा। होता क्या है कि एक बार दो बार में अपडेट नहीं हो रहा है सर्वर के कारण, आप यहाँ पर दो तीन बार ट्राई करिएगा, निश्चित ही कंफर्म बता रहा हूँ यहाँ पर अपडेट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर जो है मेरा फादर नेम मदर नेम गलत है। तो देखिए, ये जो फादर नेम मदर नेम की बात है ना डियर स्टूडेंट, ये आपको पहले देखना था, रजिस्ट्रेशन से पहले बहुत बार यहाँ पर करेक्शन का डेट निकाला गया था कि आप अभी भी करेक्ट करवा लो अगर आपका मदर नेम फादर नेम गलती है। अभी आप बोल रहे हैं दैट मीन्स आपको कोई मतलब केयर नहीं किया उस टाइम। एक ही चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ डियर स्टूडेंट, कोई भी काम करते हो आप अपने से रिलेटेड या कोई भी काम, थोड़ा सा केयर करके करो। देखो, आप अपना फादर नेम मदर नेम गलत रखोगे, आप बाद में चलकर यहाँ पर जॉब लोगे तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा, मिसमैच होगा नाम में, फादर नेम में, फ़ोटो में, ये वो में, तो आप ही को परेशानी है, ठीक है। ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बता दें डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट का यहाँ पर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या करेंगे। देखिए, फ़ोटो और सिग्नेचर के अलावा कोई और परेशानी जो अभी तक आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ है, डबल पेमेंट कर दिए, पेमेंट रिफंड नहीं हुआ है,
तो उससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर कुछ दिए गए हैं, आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोन उठाने में लेट करते हैं, तब वैसे भी फ़ोन आपका उठा लेंगे, नहीं तो आप इसको यहाँ पर मेल लिख सकते हैं vpuexamform@gmail.com पर, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत है, आप अपना परेशानी को लेकर इनको यहाँ पर मेल करिए इस मेल आईडी पे, वो आपको ज़रूरी रिप्लाई करेगा। आशा है कि इस वीडियो में आप कंप्लीट समझ पाए होंगे कि अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को कैसे अपडेट करेंगे या फिर चेंज करेंगे, जो गलती आपसे हो गया है ना चाहते हुए भी, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, जो भी यहाँ पर गलती किए होंगे या फिर आपको पता होगा कि कोई गलती की है, तो प्लीज़ आप उसको हेल्प करिए और फोटो और साइन को जल्दी जल्दी चेंज कर लीजिए, क्योंकि एडमिट कार्ड और मार्कशीट में वही फोटो आएगा तो फिर आपको परेशानी होगा और इन फ्यूचर आपको भी दिक्कत को सामना करना पड़ेगा। तो इससे बचिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और आप कोई भी चीज़ आगे से करेंगे, आप अच्छे और ध्यान तरीका से करिएगा। मैं आपको एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ, हड़बड़ाइएगा नहीं कोई भी काम, ऑनलाइन का काम यहाँ पर थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है फोटो और साइन का अपडेट में, पर अभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका है और आप अपने ईजी तरीका से आप अपना यहाँ पर अपना फोटो को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई परेशानी और है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिएगा, मैं ज़रूरी आपका कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट में बोल रहे थे कि आप जवाब नहीं देते। देखिए यहाँ पर ना वन साइडेड कमेंट क्यों होते हैं, यहाँ से थोड़ी है कि हम कॉल पर बात कर रहे हैं, आपका जो प्रॉब्लम है मतलब हैंड टू हैंड आपका मतलब कि प्रेजेंट टाइम में इंटरफेस करके आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर दें। आप कमेंट करते हैं, मैंने आपको कमेंट बताया, फिर आप उसका सॉल्यूशन खुद से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर यूट्यूब पर थोड़ा सा ये दिक्कत है, वैसे आप ट्राई करेंगे कि जो भी आपका कमेंट रहेगा मैं उसके सारी कमेंट को अच्छे तरीके से समझा कर बताऊँगा और अच्छे तरीके से बताऊँ, ताकि आपका कोई जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाए और आप अपने इजी तरीके से सब चीज़ कर पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।